गणेशाय नमः। ओम गणपतये नमः। गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं हाजिर हूँ आप सबसे फिर चर्चा करने के लिए। चर्चा का विषय कि अगले हफ्ता यानी 23 जनवरी से 29 जनवरी तक हर राशि का राशिफल कैसा रहेगा, मेष से लेकर मीन तक, वही चर्चा मैं कर रहा हूँ। उस राशि फल का आप चर्चा करते करते मैं आखिरी राशि पर यानी मीन राशि पर आ गया हूँ। तो मीन राशि के राशिफल बताने से पहले मैं ग्रह गोचर की चर्चा करूँ कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है। देखिए लग्न में मीन राशि है, बारी राशि जहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं। दूसरे भाव में पहली राशि है मेष राशि जहाँ राहु बैठे हुए हैं। तीसरे भाव में वृषभ राशि है जहाँ मंगल बैठे हुए हैं। चौथा भाव, पांचवें भाव, छठा भाव, सातवां भाव खाली है, कोई ग्रह नहीं है। आठवें भाव में तुला राशि के केतु हैं। नवम में कोई ग्रह नहीं है। दसम में बुध बैठे हुए धनु राशि के। ग्यारहवें में मकर राशि के सूर्य बैठे हुए हैं। और बारहवें में तो शनि और शुक्र दोनों बैठे हुए हैं कुंभ राशि में। ये रहा ग्रह गोचर। और इस सप्ताह शनि कहाँ से, इस सप्ताह चंद्रमा कहाँ से कहाँ जाएगा, तो चंद्रमा देखिए शनि के पास की राशि जो है मकर राशि से चलेगा। पहले दिन 23 तारीख को तो मकर राशि में रहेगा थोड़े टाइम के लिए, जहाँ सूर्य बैठे हुए हैं यानी 11वें भाव में। और फिर आखिर में सप्ताह के अंत होते होते 29 तारीख को वो राहु के पास आ जाएगा। कहाँ, तीसरे दूसरे धन भाव में, धन भाव में राहु बैठे हुए हैं तो 28-29 को राहु के पास चंद्रमा आ जाएगा। ये रहा ग्रह गोचर और चंद्रमा की स्थिति। अब देखिए राशिफल बताऊं मैं मीन राशि का। मीन राशि वालों, शनि शुक्र का 12वें भाव में संचरण विदेश भूमि से लाभ दिला रहा है, कि 12वां भाव तो विदेश भूमि का है। विदेश भूमि से विदेश की योजनाओं में लाभ मिलेगा। जो भी आपने व्यापार की योजना बनाई है उनसे लाभ होगा, धन की प्राप्ति होगी। और शनि की दृष्टि 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि पूर्ण दृष्टि पड़ रही है राहु के ऊपर धन भाव में, तो शनि और राहु दोनों मिलकर के विदेश व्यापार से धन दिला रहे हैं। और यहाँ से भी धन मिलेगा, धन तो मिलेगा ही मिलेगा, जबरदस्त धन। शुक्र भी है और शुक्र और शनि सप्तम भाव को देख रहे हैं, सप्तम भाव को देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं। तो छठे भाव का मतलब रोग रण से मुक्ति, बीमारियाँ भाग जाएंगी, शत्रु भाग जाएगा, कोर्ट कचहरी के केस में सफलता मिलेगी, बहुत अच्छा है। और देखिए 11वें भाव जो है उसमें मकर राशि में सूर्य बैठे हुए हैं, तो मकर राशि के सूर्य देख रहे हैं पंचम भाव को, जहाँ संतान भाव को, तो संतान से लाभ, संतान को लाभ, संतान की तरक्की, संतान प्रतियोगी परीक्षा में अच्छा सफलता प्राप्त करेगी, संतान को नया कोई ऑफर मिल सकता है। और सूर्य की तरह संतान चमकेगी, संतान भाव को देख रहे हैं सूर्य, प्रेम प्रसंग चल रहा तो उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि 11वें भाव में सूर्य लाभ दिला रहे हैं और सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर बढ़ रही है, तो पंचम भाव से भी लाभ ही लाभ मिल रहा है। देखिए शनि की, जैसे मैंने बताया कि शनि और शुक्र दोनों ही 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ी धन भाव पर और 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10वीं दृष्टि पड़ रही है भाग्य भाव पर। तो भाग्यवर्धन, मंगल भाग्यवर्धन कर रहे हैं, तीसरे भाव से दृष्टि पड़ रही है 9वें भाव पर जहाँ स्कॉर्पियो राशि है, और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है वहाँ पर। तो शनि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि दोनों की स्कॉर्पियो पर भाग्य वर्धन करेगी। शनि भाग्य द्वारा ही पैसा दिलाएंगे, मंगल भाग्य वर्धन करके पैसा दिलाएंगे, पैसे पैसा आ रहा है भाई। और मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी कार्य क्षेत्र पर, तो कार्य क्षेत्र का मतलब 10वां भाव जहाँ बुध बैठे हुए हैं, तो मंगल बुध के साथ मिलकर के धनुराशि में व्यापार में तरक्की, मंगल और बुध दोनों ही व्यापार में तरक्की दिलाएंगे, ट्रेडिंग में तरक्की दिलाएंगे, सुख साधन में वृद्धि कराएंगे, क्योंकि 10वें भाव से 4वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है। 10वें भाव में बुध तो बैठे हुए हैं वहाँ पर ऑलरेडी बृहस्पति की राशि में, और बृहस्पति की राशि कहाँ लग्न में है, तो बृहस्पति की राशि लग्न में हो चुकी है और बृहस्पति की दूसरी राशि धनु राशि भी अच्छा ही लाभ देगी।
तो लग्न के बृहस्पति लग्न बलवान बना रहे हैं, जातक को हृष्ट पुष्ट धर्मनिष्ठ नीतिवान सब कुछ बढ़िया बना रहे हैं, और धार्मिक आयोजनों में श्रद्धा रखने वाला धार्मिक व्यक्ति, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने वाला, विदेश व्यापार से लाभ, क्यों विदेश भाव पर मंगल यानी भाग्य वर्धन कर रहे हैं मंगल, तो विदेशी यात्राएं होंगी उनसे लाभ मिलेगा। बृहस्पति की दृष्टि संतान पत्नी के भाव पर पड़ रही है तो पत्नी से अच्छा संबंध रहेगा, और पार्टनर्स बिजनेस के जो अच्छा पार्टनर संबंध रहेंगे, जितने भी पार्टनर सहयोगी हैं वो बिजनेस में आपका साथ देंगे पूरा का पूरा। बिजनेस में जैसे जो भी सहयोगी हैं आपके, उन सब को जो है बृहस्पति की कृपा से और बुद्ध की कृपा से, क्योंकि बुद्ध जो है दशम भाव में बैठे हुए हैं तो तरक्की तो मिल रही है बुद्ध की वजह से, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान, नौकरी में तरक्की, व्यापार में तरक्की, सब कुछ मिल रहा है भाई। और मंगल की दृष्टि पड़ रही है बुद्ध पर दशम भाव पर, तो मंगल से मंगल भी बिजनेस कारक, बुद्ध भी बिजनेस कारक, तरक्की तरक्की मिल रही है, पैसा आ रहा है तरक्की, और ग्यारहवें भाव से लाभ ही लाभ मिल रहा है। ग्यारहवें भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, सूर्य की तरह ही चमकेंगे आपके भाग्य, लाभ ही लाभ मिल रहा है, सब तरह से लाभ ही लाभ मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छा है भाई। यानी मीन राशि के लिए बृहस्पति का लग्न में बैठना और बृहस्पति का वहाँ से पाँचवा सातवा नवे भाव को देखना, बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है, तो लग्न में बैठकर बृहस्पति अच्छे भाव पाँचवा सातवा नवा को देख रहे हैं, तो संतान को लाभ, पति पत्नी को लाभ, भाग्य वर्धन तीनों ही क्षेत्र में अच्छा हो रहा है भाई। तो बृहस्पति की दृष्टि तो बहुत ज़बरदस्त है, और मंगल परिश्रम करा करके तीसरे भाव से नवे भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो मंगल मंगल की अपनी राशि है वृश्चिक, तो राशि है अपनी राशि में लाभ ही लाभ दिला रहे हैं मंगल। तो भाई मीन राशि वालों के लिए भी तो ये बहुत ही अच्छा है, ये जो आप ये सत्ता है वो बहुत ज़्यादा लाभ दे रहा है। योजनाओं के देखिए राहु की वजह से आप जो राहु और केतु, देखिए राहु जो है आपके धन भाव में बैठे हुए हैं और केतु अष्टम भाव में है, तो धन आपके परिवार में कुटुंब में थोड़ा सा कुछ समस्या आ सकती है। आप अपनी योजना बनाएंगे बड़ी बड़ी राहु की तरह से प्लानिंग करेंगे, राहु हेड है और धन भाव में, तो प्लानिंग सक्सेस नहीं मिलेगी, आपको मानसिक क्लांति मानसिक वेदना हो सकती है, और आपके परिवार के लोग आपस में थोड़ा मतभेद हो सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा अपने सीनियर बुजुर्ग से राय ले लीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब काम बन जाएंगे। धन की प्राप्ति तो होनी होनी है, ग्यारहवें में सूर्य जीवन में धन की कभी कमी नहीं होने देगा, नई चमक पैदा होगी, और संतान को भी एजुकेशन में लाभ मिलेगा, संतान भी सूर्य के समान चमकेगी, बहुत बढ़िया है। सफलता, संतान की सफलता और संतान को सफलता, संतान से लाभ, सब कुछ बढ़िया बढ़िया है। और भी ज़्यादा लाभ चाहते हैं आप तो बृहस्पति का उपाय कीजिए, यानी भगवान लक्ष्मी नारायण यानी विष्णु भगवान की उपासना कीजिए बृहस्पति को, तो लक्ष्मी नारायण की उपासना करेंगे, बृहस्पति की पूजा पाठ करेंगे, पीला तिलक लगाइए, पीले वस्त्र का धारण कीजिए, तो आपको और लाभ मिलेगा। मित्रों अब मैं यहाँ विराम लूँगा, पर आपसे रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि मेरे चैनल पर जो पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और जाते जाते कमेंट में महागणेश नमः लिखें, तो भगवान गणेश अवश्य लाभ प्रदान करेंगे। तो मित्रों